क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलों का अवकलन ज्ञात करें। e टू द पावर x टैन इनवर्स x बाई रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, मान लेंगे लेट y इक्वल टू e टू द पावर x टैन इनवर्स x बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर लॉग वाई। अब ये फॉर्मूला को इसको कर देंगे, लॉग एन बाई एन को लॉग एन माइनस लॉग एन, लॉग ई टू द पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस में हो जाएगा लॉग रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब लॉग यहाँ पर एम इंटू एन, यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको तोड़ेंगे, यानी लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग, इसका रूट हटाएंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर वन बाई टू लॉग वाई। लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग टेन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला से वन बाई टू पहले हो जाएगा, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे कि एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला वन बाई ई के पावर एक्स, उसके बाद इसको तोड़ेंगे ई टू द पावर एक्स, इसका फॉर्मूला वन बाई टेन इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स को तोड़ेंगे इसका फॉर्मूला आता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो टू एक्स, टू से टू कैंसिल। इससे इस कैंसिल हो गया, क्या बचा वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस गुना होगा तो वन बाई टेन इनवर्स एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई में इससे गुना हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वन प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
tan इनवर्स x माइनस x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अब y क्या माने है, इसको माने है dy बाई dx इक्वल टू, पहले ये लिख देंगे e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। उसके बाद इज्जे करते हैं लिख देंगे 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x माइनस x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। इतना हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x का अवकलन ज्ञात करता है। इसको भी क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x, दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड यानी लॉग वाई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि लॉग एम इंटू एन यानी लॉग एम प्लस एन के फॉर्मूला पे इसको तोड़ देंगे, तो लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स। अब इसको हम लोग x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड यानी इसको तोड़ेंगे तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लॉग कॉस एक्स को पहले तोड़ेंगे तो 1 बाई कॉस एक्स, फिर कॉस को तोड़ेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस, फिर इसको तोड़ेंगे तो 1 बाई कॉस टू एक्स, फिर कॉस का माइनस साइन 2x, उसके बाद 2x को फिर तोड़ेंगे 2 आएगा प्लस, इसको तोड़ेंगे तो 1 बाई कॉस 3x, अब कॉस को तोड़ेंगे तो माइनस साइन 3x, अब 3x को फिर तोड़ेंगे 3 होगा यानी कि 1 बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 पहले हो जाएगा साइन 2x बाई कॉस 2x यानी कॉस 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 पहले साइन बाई कॉस और साइन बाई कॉस साइन बाई कॉस टेन टेन होता है साइन बाई कॉस टेन टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स। अब y में इससे गुना कर देंगे यानी कि dy बाई
डी एक्स इक्वल टू इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए और वाई से गुणा कर दीजिए, ये होगा टेन एक्स माइनस माइनस प्लस टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना माने हैं कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स और इसके बाद टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स ये हम लोग का आंसर होगा।